स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ जी इज एन एबेलियन ग्रुप देन शो दैट ए बी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। आपके पास गिवन क्या है कि जी अगर एक एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है एक तो वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड इसमें ये चीज़ होगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है ये आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसमें हम करते ये होते हैं कि पहले इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर k के लिए लेके और k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है। लेट हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो क्या बनेगा, ए बी रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू ए बी ही आ जाएगा ना। देखें 1 पावर है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर है 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। नहीं भी पता चल रहा तो आप इस तरह लिख के कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पहले कर ली, ए बी की पावर 1 ए बी ही आएगा, इसी तरह से राइट हैंड साइड कर लें सॉल्व। सो जो ये 1 है इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। ये पहले आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर से मैथमेटिकल इंडक्शन को थोड़ा सा रीड करना है, उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सपोज दिस इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के। k के लिए ट्रू है ये चीज़, k हमने पुट कर दिया। प्रूफ हम करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। जैसे अब a b की पावर k प्लस 1 है तो हम एंड में प्रूफ कर देंगे कि a की पावर k प्लस 1 एंड b की पावर k प्लस 1। थोड़े से ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एसोसिएटिव लॉज वगैरह इस तरह की चीज़ें, बाकी तो ये सिंपल ही है। अच्छा, ए बी की पावर k प्लस 1 है तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं, ए बी की पावर k डॉट ए बी। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ए बी की पावर के को हम लिख सकते हैं ए की पावर के एंड बी की पावर के इंटू ए बी। ठीक है, अब आपने इस पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया ए के, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ से आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी ग्रुप है, ग्रुप में सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन दिस ग्रुप ए के बी के ए बी। मतलब ब्रैकेट्स ही चेंज करते होते हैं हम। नेक्स्ट देखें, हमें पता है कि जी एक एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है तो ये चीज़ होल्ड करेगी ए बी के इज इक्वल टू बी के ए। तो हमने क्या किया, इस बी के ए की जगह पे हमने पुट कर दिया ए बी के इंटू बी। ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बनाना है ए की पावर के प्लस 1, सिमिलरली बी की पावर के प्लस 1, ए की पावर के और ए और इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। आफ्टर दैट दोबारा से हम अप्लाई करेंगे एसोसिएटिव लॉ ए के ए बी के प्लस 1, तो ये दोनों इकट्ठे करेंगे ए के प्लस 1 डॉट बी के प्लस 1। इसका मतलब है जो हम लेके चले थे के के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी के प्लस 1 के लिए भी। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि जो ये एन होता है ये सारे इंटीजर्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव के लिए भी हम प्रूफ करते हैं, जो जब मैथमेटिकल इंडक्शन करते हैं तो पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी और जीरो के लिए भी। तो हमने पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर दिया। अब इसको हमने कह दिया कि 1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस 1 इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम n इज इक्वल टू 0 के लिए कह देते हैं कि अगर n 0, क्योंकि इंटीजर्स में तो 3 केसेस होते हैं ना, n 0 हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। हमने पॉजिटिव के लिए प्रूफ कर दिया। अब हम 0 के लिए लेके चलते हैं। 0 के लिए बहुत आसान है, आपने क्या किया, ए बी की पावर n की जगह 0 किया, 0 आ गया, इसकी जगह लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए की पावर 0 ले तो 1 होता है, इसी तरह से ये चीज़ आ गई। हैंस दिस इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0, इसे 4 कह दिया। अब हमने सिर्फ एक काम और करना है, वो ये है हमारा कि हम n इज इक्वल टू माइनस एन के लिए भी प्रूफ कर देंगे कि m जो है वो अगर आपके पास नेगेटिव नंबर हो। एक्चुअली तो ये जो चीज़ है ये पॉजिटिव ही है, हमने n को पॉजिटिव भी प्रूफ किया, नेगेटिव भी प्रूफ करना है अभी, और ज़ीरो भी प्रूफ किया है। नेगेटिव लेके चले हैं, हमने n की जगह माइनस एम पुट किया, इन्वर्स तो हमने अंदर कर लिया है। देखें इस तरह से ए बी का इन्वर्स m, ए बी का इन्वर्स खोलते हैं तो क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सिंस वी नो दैट जी इज़ द एबेलियन ग्रुप, सो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, तो इसके बाद इसके खोल देंगे इनको पावर्स को, तो ए की पावर माइनस एम, बी की पावर माइनस एम, एन की जगह पे माइनस एम, माइनस एम की जगह पे एन पुट किया, हेंस दिस इज़ ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो तीनों जो हैं वो आपके पास कंडीशंस इसकी
होल्ड हो रही हैं। सो वन जो था ए की ए बी की पावर के सॉरी ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव फॉर ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी एंड जीरो के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो इससे पहले था लेकिन मैंने ये आपको ये करवाया मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो बहुत सिंपल है, इसी की बेस पे वो वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपकी असाइनमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सिर्फ आपने ये प्रूफ करना है कि एक ग्रुप दिया गया है, सॉरी एक सेट दिया गया है, आपने उसको प्रूफ करना है ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए आपने चार प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करनी होती हैं, अगर होल्ड हो जाए तो वो सेट जो है वो ग्रुप बन जाता है। आप देखें कि सेट किस तरह का दिया हुआ है, शो दैट इसको पढ़ना क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, क्या पढ़ेंगे, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, ऑर्डर टू का मतलब है, देखें, शो दैट द सेट जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू ऑफ आल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर। ये एक होता है ओवर आर का मतलब रियल नंबर्स पे, और ये किस तरह का सेट होता है, 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसमें हम यूज़ करते हैं मैट्रिसेस, कैसे मैट्रिसेस जो कि नॉन सिंगुलर हों। नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, जिनके इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे देखें हम जिसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं वो नॉन सिंगुलर होता है, जैसे एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जिसका आप फाइंड कर सकते हैं इनवर्स, तो मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। 2x2 का मतलब टू रोज और टू ही कॉलम्स होंगे। तो आपने ये शो करना है कि ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके ग्रुप है कि नहीं है। तो लेट सबसे पहले हमें ये पता है कि क्या है सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टी क्लोज की चेक कर लेते हैं। दो एलिमेंट्स हमने इसमें से ले लिए, अब दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये कैसे हैं, नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिसेस हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक 1 0 0 1 0 2 है, एक इसी तरह से 2 0 3 0, इसी तरह 2x2 मतलब टू रोज और टू ही कॉलम्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी सेट का ही एक पार्ट होगा। तो सो दिस इज़ क्लोज्ड। एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता ही है, क्योंकि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है इसमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। और हमें पता है मैट्रिसेस हैं, तो मैट्रिसेस में आइडेंटिटी इस शक्ल की होती है 2x2 में, सो आपके पास एक आइडेंटिटी भी मौजूद है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है, क्या इनवर्सेस मौजूद हैं। तो ऑब्वियस है कि स्टार्ट में ही उन्होंने हमें दे दिया है, ये कैसे हैं मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर। इट मींस कि अगर आपके पास इसमें ए आपका एक है एलिमेंट, तो ये एक नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है उसका इनवर्स ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेगा। जब नॉन सिंगुलर हों सिर्फ तभी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर है सो इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इट मींस के सारे के सारा जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो होल्ड हो रही है। सो ये जो सेट था जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, ये आपके पास एक ग्रुप बन रहा है अंडर मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो आपने इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ को चेक किया है और आपने यहाँ तक क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिया है। कल मैं इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊँगी सब ग्रुप्स का, तो इसको आज फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कल नया टॉपिक होगा आपका। ठीक है।